ये देखता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड दूसरा वाला है वो हवा में बातें कर रहा है, क्योंकि वहां पर कोई और इंसान तो है ही नहीं। ये एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा क्रीपी है यार। तो कुएं के अंदर से निकलने वाली वो दूसरी आत्मा कौन थी? वो तो कैमरे का ग्लिच नहीं हो सकता ना। वो डर से कांपते हुए बिस्तर के एक कोने में जाकर बैठ गया। सोचिए आप रात के समय एक सुनसान हवेली में जाएं और आपको कुछ ऐसा नजारा दिखाई दे जहां पर एक श्रापित औरत किसी शैतान के कब्जे में तड़प रही है और आपको देखते ही वो आप पर हमला करने के लिए आपके पीछे भागती है। तो ऐसा नजारा देखने के बाद किसी को अपनी नानी याद आ जाएगी, तो किसी की पैंट पीली हो जाएगी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं इससे भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी चीजें। देखो, वैसे तो तुम लोग भूतों पर विश्वास नहीं करते हो और करना भी नहीं चाहिए, और करोगे भी कैसे? तुम्हें तो अपने बेस्ट फ्रेंड पर भी विश्वास नहीं है। भूत तो फिर भी बहुत दूर की चीज है, लेकिन आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी सच्ची भूतिया घटनाएं जिन्हें देखने के बाद आपको वाकई में भूतों पर विश्वास होने लगेगा। तो चलिए देखते हैं कैमरे में रिकॉर्ड एक से बढ़कर एक डरावने सीन, क्योंकि ये है रियल घोस्ट का पार्ट 18। भैया पूरे 2 महीने बाद आया है रियल घोस्ट का ये वीडियो, तो अपनी अपनी हनुमान चालीसा लेके बैठ जाओ, क्योंकि शुरू होने वाला है एक और फाड़ू वीडियो। ये सीसीटीवी फुटेज है पेरू का। बेसिकली यहाँ पर एक फार्मर ने डकैतों से बचने के लिए और फसलों को चोरों से बचाने के लिए खेतों में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवाए थे। रात का समय था, जब वो फार्मर अपने सीसीटीवी की फुटेज चेक कर रहा था तभी उसे अचानक ये नजारा दिखाई दिया। उसके खेत में एक बहुत पुराना कुआं था और उसे फुटेज में दिखाई दिया कि उस खेत में मौजूद कुएं के पास एक अजीब सा आदमी पालती मारकर बैठा हुआ है। हालांकि ये कोई बहुत ज्यादा डराने वाली या चौंका देने वाली बात नहीं थी, लेकिन तभी अचानक वो आदमी उठकर खड़ा हो गया और वो हवा में उड़ने लगा जैसे कि उसका कोई शरीर ही ना हो। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मैजिक शो चल रहा हो। उस आदमी की मुंडी हवा में उड़ने लगी, उसका शरीर गायब हो गया, धुएं जैसा लगने लगा, और उसके बाद वो उड़ता हुआ उस कुएं के बाजू में जाकर बैठ गया, उस कुएं के अंदर झांकने लगा। लेकिन ये डरावना वीडियो यहीं पर नहीं रुका। उस कुएं से एक और ऐसा ही शख्स निकला जो देखने में काफी अजीब था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई आत्मा है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उस आदमी को चोरों से नहीं बल्कि भूतों से डरने की जरूरत है, और उस इंसान के खेत में मौजूद इस कुएं के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। ये जो वीडियो था ना, ये भूतों के यूजुअल वीडियो से काफी अलग था। जनरली भूत चीजें गिराते हुए पाए जाते हैं, या एक धुंधली सी आकृति रास्ता क्रॉस करते हुए या किसी सुनसान जगह पर भटकते हुए दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर जो नजारा देखने मिल रहा है ये कई में बहुत अजीब और सोचने पर मजबूर कर देने वाला है कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कैमरे में किसी तरीके के ग्लिच की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर कैमरे के ग्लिच की वजह से ये वीडियो ऐसा बना होता, वो आदमी हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता, तो कुएं के अंदर से निकलने वाली वो दूसरी आत्मा कौन थी? वो तो कैमरे का ग्लिच नहीं हो सकता ना। एनीवे, ये जो वीडियो था इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये जो अभी आपने देखा ये एक्चुअली में क्या था, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जो लोग कमेंट में ये लिखने वाले हैं कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, उनको मैं ये भी बता दूं कि माता पिता के चरणों में चप्पलें भी होती हैं। बाकी आप खुद समझ जाओ। ये वीडियो है एक हॉस्पिटल का, और बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऐसी छोटी छोटी भूतिया घटनाएं तो होती रहती हैं सेनोरिटा, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी भूतिया घटना जो छोटी नहीं है। यहाँ पर एक आदमी रात को मजे से लेटा हुआ था। मजे से तो नहीं, खैर फिलहाल बेचारा बीमार होगा, लेकिन वो आराम कर रहा था। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके आसपास कोई ऐसी भूतिया शक्ति या कोई आत्मा मौजूद है जो उसे आराम नहीं करने देना चाहती। तो उस भूतिया शक्ति ने उस इंसान का आराम हराम करने के लिए उसके पैर पकड़कर उसको इतनी जोर से खींचा कि वो आदमी डर के बिलबिला गया। मतलब उसने खुद को बचाने की इतनी कोशिश की जो कैमरे में आपको साफ दिखाई दे रही है। मतलब सीरियसली, हॉस्पिटल में रात के समय अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाए, भाई साहब वो इंसान जिंदगी में दुनिया के किसी हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। वो बोलेगा कि मैं बीमारी से मर जाऊंगा, लेकिन भाई मुझे भूतों से पंगा नहीं लेना। और ऐसी ही एक और घटना घटी थी जहां पर एक व्यक्ति अपने घर में सो रहा था और तभी अचानक से कोई उसके पैर खींचने लगता है, उसे हवा में खींचने लगता है। वो इंसान खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाता है, बहुत छटपटाता है, और फाइनली वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन वो इतना डर गया था कि वो डर से कांपते हुए बिस्तर के एक कोने में जाकर बैठ गया। मतलब ये घटनाएं ऐसी है कि अगर ये किसी इंसान के साथ घट जाए तो वो जिंदगी में सोने से डरने लगे। क्या आपको कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ है कि जब आप रात में सो रहे हो तो किसी ने आपके पैर खींचने की कोशिश की है? लेकिन ये पैर खींचना, रात में सोते हुए लोगों को डराना तो फिर भी छोटी मोटी घटनाएं हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसे घर का सीसीटीवी वीडियो जहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही थी जिन्हें देखकर आपको रियली में अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। तो
मार्टिना नाम की एक लेडी थी जिनका ये मानना है कि उनके घर में कोई आत्मा रहती है जो उनको बहुत परेशान करती है। लेकिन मार्टिना काफी हिम्मत वाली औरत है, ये सब पता चलने के बाद भी वो उस घर में रह रही है। वैसे किसी ने उनकी इस बात पर विश्वास नहीं किया तो उन्होंने अपने घर में कैमरे लगवा लिए और कैमरे में वो घटनाएं कैद हुई जिन्हें देखने के बाद हर इंसान मार्टिना की बात पर यकीन करने लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्टिना का ये जो मोटा सा छोटा सा बच्चा है, ये मस्त बैठकर अपना वीडियो गेम खेल रहा है, लाइफ में चिल कर रहा है। लेकिन इसके आसपास एक ऐसी आत्मा मौजूद है जो इसको चिल नहीं करने देना चाहती। सबसे पहले तो आत्माओं ने कमरे के दरवाजों को हिलाना शुरू किया, लेकिन वो बच्चा खेल में इतना ज्यादा मस्त था कि उसने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया और ये होने के बाद उस आत्मा को गुस्सा आ गया। उसने इस गोलू मोलू बच्चे को वीडियो गेम खेलने से रोकने के लिए उसकी कुर्सी को ऐसे पीछे खींचा कि इस बच्चे की पतलून वहीं पे गीली हो गई। ये मम्मी मम्मी चिल्लाकर उस कमरे से भाग गया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, एक दिन मार्टिना अपने वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही थी और घर में मौजूद उस आत्मा ने सोचा कि चलो मार्टिना के मजे लेते हैं और उसके बाद वैक्यूम क्लीनर हवा में उड़ने लग गया। मतलब सीरियसली अगर ऐसा कुछ हो जाए किसी की आंखों के सामने ना, पता नहीं वो इंसान उस घर में फिर से कदम रखे या ना रखे, लेकिन मार्टिना की हिम्मत देखिए उसने भूत को दो तमाचे लगा दिए। भूत भी वैक्यूम क्लीनर को छोड़कर भाग गया। ठीक ऐसी एक घटना हुई थी जब ये दोनों मतलब माँ बेटे एक कमरे में बैठे हुए थे, तभी अचानक से दरवाजा हिलने लगा। कोई अनजान शक्ति दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। मार्टिना ने जाकर देखने की कोशिश की, तभी अचानक पीछे रखी कुर्सी हिल गई और ये नजारा देखकर वो गोलू मोलू बच्चा डर गया। माँ बेटे दोनों ने उस कमरे से भागने की कोशिश की, तभी मार्टिना को उस आत्मा ने पकड़ लिया। लेकिन जैसे तैसे करके मार्टिना ने खुद को छुड़ाया और वो दोनों वहां से चले। देखो ये रियल है या फेक है आई डोंट नो, बट ये एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा क्रीपी है यार। मतलब इतनी ज्यादा क्रीपी तो इसका भाई उसकी जान भी नहीं थी। आई मीन टू से किसी की जान किसी का भाई क्या था, जो भी था। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय सैल्मन भाई, कहीं ऐसा ना हो कि इस वीडियो को सैल्मन भाई देख ले और गुस्से में आकर मार मार के मुझको भूत बना दे। सैल्मन भाई से याद आया, मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसे शिकारी का वीडियो जो रात में जंगल में शिकार करने गया था अपना नाइट विजन गॉगल लेकर और उसके बाद उसने जंगल में वो चीज देखी जिसे देखने के बाद शिकार करना तो दूर उसने रात में घर से निकलना ही बंद कर दिया। ये बंदा रात के समय जंगल में शिकार कर रहा था, काफी ज्यादा अंधेरा था जंगल में, इसलिए इसने नाइट विजन का इस्तेमाल किया ताकि इसे रात में एकदम साफ साफ अपना शिकार दिखाई दे जाए। शिकार तो खैर नहीं दिखा, लेकिन इसे जंगल में रात के समय भटकता हुआ एक इंसान दिखाई दे गया और ये जंगल एक ऐसे इलाके में मौजूद था जहाँ पर रात के समय तो क्या दिन में भी कोई इंसान नहीं जाता था, यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उस शिकार करने वाले व्यक्ति ने उस आदमी को देखा, काफी देर तक नाइट विजन पर उस इंसान को ट्रेस करने के बाद उस शिकार करने वाले व्यक्ति ने वहां से पतली गली से निकलने का ही फैसला किया, जो बिल्कुल सही था क्योंकि जंगल में जो भटक रहा था जरूरी नहीं है कि वो कोई नॉर्मल इंसान हो, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान रात के समय अकेले जंगल में ऐसे भटका नहीं करते। यहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज है सिक्योरिटी गार्ड का जो लिफ्ट के पास खड़ा हुआ है, तभी उसे दूर कहीं कांच के पार कोई दिखाई देता है जिसे देखकर वो हाथ हिलाता है और उसके बाद वो गार्ड वहां पर जाता है जहां वो दूसरा इंसान खड़ा होता है। वो उसके साथ चलकर वापस आता है, लिफ्ट के पास खड़ा हो जाता है, दोनों बातें कर रहे थे और ये सब होते हुए सीसीटीवी में एक और सिक्योरिटी गार्ड देख रहा था। तो जो सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी में ये सब देख रहा था वो ये देखता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड दूसरा वाला है वो हवा में बातें कर रहा है क्योंकि वहां पर कोई और इंसान तो है ही नहीं। तो वो बंदा वॉकी टॉकी पे दूसरे गार्ड को बोलता है कि भाई तुम किससे बात कर रहे हो, तो ये बताता है कि यहां पर एक बूढ़ी औरत है मैं जिसकी हेल्प कर रहा हूं। तो कंट्रोल रूम में बैठा गार्ड बताता है कि भाई आप हवा में बातें कर रहे हो, यहां पर कोई नहीं है और ये सुनने के बाद उस गार्ड की हवा निकल जाती है। वो अपने आसपास देखता है, उसे सच में कोई दिखाई नहीं देता या शायद कुछ ऐसा दिखाई दिया जो शायद हमें कैमरे में नजर नहीं आया और उसके बाद उस गार्ड ने डर की वजह से वो दौड़ लगाई है। भाई साहब वो रुका ही नहीं, मतलब बिल्डिंग से बाहर चला गया और मुझे नहीं लगता कि उसका वो कभी बिल्डिंग के अंदर वापस आया भी होगा। अब मुझे बताओ कि ये वीडियो फेक हो सकता है क्या? मतलब अगर ऐसी घटनाएं कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं तो इसका मतलब तो यही है ना कि हम जो सोचते हैं कि भूत नहीं होते, हमारा ऐसा सोचना गलत है। एनीवे इस वीडियो को एक्सप्लेन करते करते ना थोड़ा सा मेरे रोंगटे से खड़े होने लग गए हैं और अगर आपके भी इस वीडियो को देखकर हल्के फुल्के भी सही थोड़े से भी रोंगटे खड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, आग लगा देना, नहीं मतलब आग मत लगाना, इसको शेयर कर देना। ये वीडियो सबको दिखा दिखा कर डराना, मतलब मेरी शक्ल दिखा कर मत डराना, भूतों की वीडियो दिखा कर डराना। यार बस आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि इससे ज्यादा अगर मैंने भूत की वीडियो देख लिए तो भाई मुझे रात में चैन से नींद नहीं आएगी और अगर किसी ने रात में मेरे पैर खींचने की कोशिश कर दी तो भाई साहब मुझे ये भूत के वीडियो बनाने बंद करने पड़ेंगे। एनीवे मैं जा रहा हूं हनुमान चालीसा का पार्ट करने, आप जाकर एंजॉय करो लाइफ को, मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।